बंद करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, ये गैस के दाम कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम। आज दोबारा जिस ढंग से महंगाई का रोष जो लोगों के बीच में था उसका प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस डगियाना पोली में हमारे कारपोरेटर चौधरी द्वारका जी और चीफ भी जो हैं उनकी लीडरशिप में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया सानी साहब की लीडरशिप में। आज हम महसूस करते हैं कि गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, सोई ही सरकार को जगाना बड़ा ज़रूरी है जो ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कर रहे हैं। और 8 दिन में लगातार 7 बार बढ़ोतरी का होना, आम जनता का चूल्हा जलना जब मुश्किल यहाँ पे हो गया और गैस की कीमत 1000 आंकड़ा भी पार हो गया। ये पहली सरकार है जिसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई फ़र्क नहीं यहाँ पे रखा। पेट्रोल और डीजल में कांग्रेस की सरकारों में काफ़ी फ़र्क यहाँ पे हुआ करता था, जब इनमें बढ़ोतरी हुई तो आम जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पे होगी, आम खाने वाली चीज़ें उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पे हो पाएगी। तो आज आम आवाम के हालात को देखते हुए कि जिस ढंग से उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पे प्रदर्शन के तौर पे यहाँ पे खड़ी है। भारत अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगों में जागरूकता लाई जा रही है कि इस मोदी सरकार ने 140 दिन के बाद यकदम पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं कि सरकार जागे और लोग भी जागे और इस महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और अभी हमारे बीच में हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रमन जी भी आ रहे हैं और हम सभी लोग बैठ के आज यहाँ धरना देंगे और सरकार को जगाएंगी, सरकार जागे और जल्द से जल्द ये जो कीमतें बढ़ाई हैं उनको कम करे और ये जो महंगाई की जो मार मारी है उसको खत्म करे।